सर, वाराणसी में देव दीपावली को लेकर तैयारियां जोरों पर है, आपका भी दौरा है, कैसे शुभकामनाएं दी? नहीं, देव दीपावली काशी का एक ऐसा पर्व है जिसमें स्वाभाविक तौर से काशीवासी दीप दान करते हैं और देव दीपावली का त्यौहार बहुत ही आनंदपूर्वक मनाते हैं। सरकार की ओर से जो करना है वह सब किया जाएगा, लेकिन एक काशी की देव दीपावली को एक भक्त के रूप में जब मैं देखता हूँ तो निश्चित तौर से जितनी प्रशंसा की जाएगी वो कम होगी। वैसे मैं भी देव दीपावली के अवसर पर रहता, लेकिन विधानसभा का सत्र होने के कारण उपस्थित नहीं रह पाऊँगा। आज उसकी थोड़ी सी समीक्षा भी कर लेंगे, जो आवश्यक होगा उसमें निर्देश दिए जाएंगे और व्यवस्थाएं सब ठीक ढंग से संचालित हों इसका प्रबंध किया जाएगा। सर, कल से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है? कल से नहीं, परसों से शुरू है। मोबाइल पर बैन लगाया गया है नेताओं को? इसको बैन लगाना नहीं कही, वो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का विशेषाधिकार होता है कि वह विधानसभा या विधान परिषद में जो विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति जो व्यवस्था देते हैं, जो नियमावली होती है उसके हिसाब से उसका पालन किया जाता है। जब नियमावली बनी थी तब मोबाइल फ़ोन नहीं था, आज नई नियमावली में मोबाइल फ़ोन होने के बाद उसकी गतिविधि वहाँ पर न चले, चूँकि आज डिजिटल पूरी तरह से विधानसभा भी है विधान परिषद भी है, तो वहाँ पर ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। सर, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल किया है, कभी ममता जी ने पापी शब्द का इस्तेमाल किया, प्रधानमंत्री के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जो छोटा बच्चा होता है 3 साल में थोड़ा थोड़ा बोलना सीख जाता है, लेकिन इतना लंबा समय बीत जाने के बाद श्री राहुल गांधी जी को अभी बोलना नहीं आया। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका आदर और सम्मान केवल देशवासी ही नहीं पूरी दुनिया के लोग करते हैं, उनके प्रति इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना किसी भी प्रकार से जो एक मर्यादित आचरण किसी राजनीतिक व्यक्ति का होना चाहिए वो श्री राहुल गांधी जी का नहीं है। इसके लिए उनको भी और उनकी पार्टी को भी देश से क्षमा मांगनी चाहिए। एक अंतिम सवाल सर, आज 26/11 है, देश अपने शहीदों को भी निश्चित तौर से संविधान दिवस है, उसकी बधाई देता हूँ, और जिन मुंबई आतंकी हमले की बरसी भी है उसमें जिन वीर जवानों ने अपना बलिदान दिया है उनको नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित। सर, अखिलेश यादव सामाजिक न्याय यात्रा निकालने लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी या कोई अन्य दल के अध्यक्ष या पदाधिकारी कोई यात्रा निकालते हैं वो निकालें, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ कि अभी सपा बसपा कांग्रेस का न तो उत्तर प्रदेश में कोई भविष्य है और न देश में कोई भविष्य है।